नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ गई है और दोस्तों आप आज शाम के 6:10 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहें आज शाम के 6:10 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको एक नई रोशनी मिलने वाली है, ऊर्जा की एक नई किरण प्राप्त होने वाली है, जहां से दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दिन को और इस वीडियो को आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वक्त आ चुका है, अब आपके सपने सच होने के समय पूरे हो गए हैं। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में साक्षात यह देवी आपके सारे सपने साकार करने वाले हैं और दोस्तों आप सभी की आंखों के सामने ऐसी घटना होने वाली है कि दोस्तों देखने वालों का भी होश उड़ जाएगा। यूँ कहें तो दोस्तों यह समय कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी के परिवार में घर में मिलने वाली है कि दोस्तों घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी से विनती करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के वह जानकारी देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में 100% होकर रहेंगी। और दोस्तों अब आपको आगे बढ़ना होगा, जीवन काल में आप बहुत ही पीछे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों ईश्वर ने आपके हाथ को थाम लिया है। अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं, महात्मा पर यकीन करते हैं, अपने गुरुओं पर, अपने माता पिता पर यकीन करते हैं, तो आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी को बिल्कुल ही दिल से खुश करने वाला वीडियो साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो का शीर्षक है कि एक दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है, आपके घर के साथ जुड़ चुका है। और दोस्तों आज शाम के 6:10 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बड़ा ही अनोखा बदलाव होगा। दोस्तों यह दिव्य शक्ति यानी कि सकारात्मक ऊर्जा है जो ईश्वर को हम लोग मानते हैं, वह ईश्वर हमारे ही अंदर होते हैं। अगर हम सत संगति करते हैं, अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, किसी के प्रति नकारात्मक भाव हमारे अंदर नहीं होता है, तो साक्षात ईश्वर हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम थोड़ा सा भी छल कपट लेकर किसी को झूठी तारीफें कर दें, किसी के आगे झूठा बोली बोल दे और अंदर से उनके प्रति हम खोट रखें, तो ईश्वर कभी भी हमारे ऊपर विराजमान नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं विराजमान हो चुकी है, दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और दोस्तों आज शाम से आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी संकेत मिलने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ये घटना बहुत ही अनोखी घटना है। दोस्तों और हो भी क्यों ना, दोस्तों हम आप सभी के जीवन काल की थोड़ी सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप पिछले समय से अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छा रहने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सत्संगति करते आ रहे हैं, हमेशा सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, कभी भी किसी के प्रति छल नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों आपके साथ होता क्या रहा है कि आप जो चीज़ सोच रही हैं आपका वह चीज़ बन नहीं रहा है, और लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप मायूस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप जितना अपने लिए सोचे हैं उससे कई अधिक ईश्वर आपके लिए सोचे हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में हमेशा ईश्वर के प्रति अच्छी भावना रखे हैं, ईश्वर पर हमेशा आपका अटूट विश्वास रहा है। और दोस्तों जब भी आप कार्यों की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर का स्मरण करके ही करते हैं, और ये चीज़ आपको बता दें कि ईश्वर के प्रति आपको जोड़ता है, ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है, और आपके साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, एक सकारात्मक ऊर्जा जुड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज शाम से आपको बड़ी ही खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानेंगे कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, साथ ही कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती आपको भूल कर भी अब नहीं करना है,
अब दोस्तों आपको आगे बढ़ना होगा। आप पीछे की ओर बहुत देख लिए, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने का मार्ग अपनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि आगे बढ़ने के मार्ग से ही संबंधित है, तो इस ज्ञान को बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा दोस्तों। ये ज्ञान आप सभी के जीवन काल में बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य से कहीं और चलने का निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोला, बेटे हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़कर चल दिए, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल लिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वो नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि नदी पार कराने के दो सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए भी वहीं आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भक्त आया और ना ही कोई नाव वाले का दिल पसीजा। जी हाँ दोस्तों, अंधेरा होता देख शिष्य ने अपने झोली से दो सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। जी हाँ दोस्तों, इसी शिक्षा यह प्राप्त होती है कि त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको आज का यह ज्ञान समझ में आई हो, इनसे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों बेशी के साथ बात करते हैं कि आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों की आखिर क्या स्थिति होने वाली है कि आपको आपके जीवनकाल में एक दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आप पिछले समय अंतराल में अपने जीवनकाल में बहुत ही कष्ट को झेल रहे हैं, बहुत ही समस्याओं को पार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवनकाल में कभी भी हिम्मत को नहीं हारे हैं। ईश्वर के प्रति आपका सच्चा भाव रहा है और ईश्वर भी आपकी परीक्षाएं लिए हैं, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और दोस्तों अब आप सभी का जीवन बिल्कुल ही उसी तरह गुजरने वाले हैं, उसी प्रकार का योग आप सभी के जीवन काल में बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आप सभी की राशि में महाकरुणपति योग का निर्माण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी जो भी सूर्य है वे आपके तीसरे भाव में है और चंद्रमा नौवें भाव में है, बृहस्पति पंचम भाव में। और दोस्तों अगर ऐसे ग्रहों की स्थिति होती है तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि करुणपति योग हो सकता है। जो लोग पिछले कई समय से रुपये पैसे को लेकर तंग होते हैं और ईश्वर के प्रति सच्चा भाव रखते हैं, उन्हीं के जीवनकाल में ईश्वर ऐसे योग का निर्माण करते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से पीड़ित थे, लेकिन आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली में आपकी राशि में इसमें चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बहुत ही शुभ है और साथ साथ बृहस्पति भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी दोस्तों, जहाँ पर गुरु और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो दोस्तों धन की बारिश होती है। और दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब पेशों की समस्याएं खत्म होने वाली है, आपका सोया हुआ किस्मत जागने वाले हैं एक प्रकार से कहें। इसमें गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में पड़ने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुरु का संदर्भ सीधे भगवान श्री हरि विष्णु जी से है और दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी के ही जो संदर्भ में कुबेर देवता आते हैं। तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब कुबेर का खजाना मिलने वाले हैं, यानी कि धन से माला माल आप सभी का जीवन काल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में जो ग्रहों की तिथि बनी है इनमें सबसे पहले आपकी पैसों की तंगियां खत्म होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आप पेशे के लेकर परेशान हैं,
पेशा आप सभी के जीवनकाल में टिक नहीं रहा है। दोस्तों आप जितना चाहते थे कि आपके पास पेशा आए, दोस्तों उतना ही आपके पेशे आने के रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से धन से परेशान हैं, पेशे आने की जो भी समस्या है वह बंद हो गई थी, तो यश में आपके पेशे आने के जो भी क्षेत्र हैं वह खुलने वाले हैं और दोस्तों दुगुनी तेजी से खुलने वाले हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों ऐसी स्थिति आप सभी को व्यापार में देखने को मिलेगा, व्यापार यश में आपका तेजी से बढ़ने वाले हैं। जो लोग पिछले कई समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे, पिछले कई समय से बेरोजगार थे, उन्हें यश में मन चाहे नौकरी मिल सकती है। जो ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है, तो दोस्तों यश में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है। जो भी आपको काम मिले उन्हें आपको अपने हाथ में लेना है, जी दोस्तों उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। कि दोस्तों ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है, जो भी कार्य अपने हाथों मिलेंगे वह कार्य यश में दुगनी तेजी से गति में आएंगे और दोस्तों आपको अथावत लाभ देंगे। जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा उतने बड़े लाभ यश में आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि पेशे जिनके भजनकाल में कहीं पर आपने उधार दिए थे, पेशे फंस गए थे, तो आप सभी को बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति है इसमें आपका पुराना पेशा आपको वापस मिल सकता है। चाहे आप किसी को उधार दिए थे या फिर आपका पेशा कहीं पर फंस गया था, तो दोस्तों यश में पेशे आने की संभावना बहुत ही अधिक बन रही है जो पेशा आपका फंसा हुआ है। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति है यश में आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छा होगा, बाद में थोड़ा सा आप सभी के जीवनकाल में व्यस्तता रह सकती है, क्योंकि काम का दबाव बढ़ेगा और आपको हर क्षेत्र से काम मिलने वाले हैं। हर क्षेत्र से आप सभी को यह समय शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि आपको व्यस्त रहने के बाद भी आप अपने सारे कामों को आसानी तरीके से करेंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको ये गलती नहीं करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपको अपना नज़र अवश्य रखना है, अपने देखभाल के लिए ही आपको कार्य करना है। चाहे आप वहाँ पर उपस्थित ना हो, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको अपना आदमी रखना है और कार्यों पर नज़र रखना है, अन्यथा आपको कोई मुसीबत भी मिल सकती है। आप सभी को बता दें कि यश में जो भी आपके दोस्त हैं, जो सहकर्मी हैं, उनसे आपको खुशी मिल सकती है, आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ कार्य करेंगे। इसमें आपके दोस्त सहकर्मी बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगा और दोस्तों आप भविष्य में उनके साथ कहीं पर घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप सभी को बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कोई संतोषजनक तरीका खोज पाएंगे। ध्यान रहे कि कोई भी तरीका समय से ही लेना है, जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों यश में आपका जो तरीका है वह बिल्कुल ही कारगर साबित होंगे, आपको बस धीरज रखना होगा। लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों को सही से पालन नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि मुसीबत में आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ही सजग रहना है। आज का दिन बिल्कुल ही मजे और कार्ड का नाम रहेगा। अपने संबंध के बारे में सोचना बंद करें और आराम करें, जिसकी लंबे समय से जरूरत है। आपको कोई डांस या फिर हल्की फुल्की मूवी देखें। आज का दिन पार्टी के लिए बेहतरीन है। आज पार्टी में आप चमकेंगे और आपके पीर या फिर आपके होने वाले जो भी पीरी है आपके इस आकर्षण से काफी प्रभावित भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आप सभी को प्राप्त हो सकता है। आपके दरवाजे पर यश में नौकरी के अवसर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप सभी को बता दें कि आप उस पर कार्रवाई करते रहें तो आपको जो भी करियर है वह एक नया मोड़ ले लेगा। शुरुआत में आपको संकीर्ण तरीके से अपने कार्यों को पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने का मार्ग अब आपको अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके लिए जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है। आज शाम से आप सभी के जीवनकाल की एक नई शुरुआत होने वाली है। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या फिर करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा पर कंट्रोल रखें। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि बात करते हुए कोई भी समाधान भी यश में मिल सकता है।
लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर आप सभी को प्राप्त हो सकती है। आपकी सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, लेकिन इनके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपको आना पड़ सकता है जहाँ पर काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप जितना नहीं सोचे हैं उतना बड़ा कामयाबी यश में आपकी कदम चूमने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो कार्यभार आप सभी के ऊपर बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आप सभी का जीवन हजारों गुना में बढ़ने वाले हैं। यूं कहें आप जो कभी सोच नहीं सकते थे, इतनी बड़ी तेजी आप सभी के जीवनकाल में धन को लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यश में धन की जो भी संभावना रुकी हुई थी यश में बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने शत्रु वर्ग से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शत्रु है वे आपके अपने ही शत्रु हैं। ये आपको हमेशा गड्ढे में डालने का कार्य करते रहता है। और यश में तरक्की आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है, तो ये बिल्कुल ही चुप नहीं रहने वाले हैं। आपको नुकसान पहुंचाने के कई प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले हैं। चाहे तो ये आपके बारे में किसी और को कुछ बुरी बातें कह दी जिनसे आपको चिढ़ लगे, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि बिना जाने बिना समझे आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो कि आपके कार्यों को बिगाड़ दे या फिर आपके आने वाले भविष्य को खराब कर दे। तो आपको इन बातों पर बिल्कुल भी गौर करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो समय और आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु आप सभी को बता दें कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। खान पान पर आपको ध्यान देना है, गलत खान पान बिल्कुल भी नहीं अपनानी है जो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रांति आप सभी को बता दें कि आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब सी और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिएगा। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। पलट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव से का दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इन आवाजों के गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा अस्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में संकोच न करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और घुमा फिरा कर कहने से बचें। जो भी कहना है सीधे बातों में कहें और साफ कहें। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपको बोलने के तरीके में थोड़ा सा अंतर करना होगा। जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा धीमी आवाज में मधुर आवाज में बात करनी है, और कभी भी बात करते समय आपको नीचे की ओर नहीं देखना। अपना जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है आपको ऊंचा रखना है। इससे आपके कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका समाज में एक अलग छवि बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको क्रांति हम आप सभी को बता दें कि आपके प्यार के लिए जो समय होंगे, जो आपके करियर के लिए समय होंगे, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा है यशमय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने जीवनकाल में कुछ कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों धन के कार्यों में आप यशमय हाथ बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन से जुड़ी सभी कार्यों में आपको लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी का दिन यशमय कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहेगा। आज शाम से आप सभी का आने वाला भविष्य बिल्कुल ही सुंदर व्यक्तित्व की तरह निकलेगा। आपने जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, ऐसी स्थिति आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो स्वभाव है यश में बहुत ही सुंदर और दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप कुछ भी करें सफलता आप सभी को मिलना तय है। आपकी जो लोकप्रियता है वह यश में बढ़ने वाली है। आप बहुत ही सृजनात्मक हैं। आपने हमेशा सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखे हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि लोग आपको कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। और यश में आप सभी को बता दें कि लोग आपको समझेंगे, आपके गुणों को भी समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके नम्र व्यवहार, नम्र जो भी स्वभाव है, इन्हीं गुणों से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इन्हीं के कारण आप सभी का आने वाला भविष्य भी बदलेगा। लेकिन कभी भी आपको अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं लानी है। अगर आपको कोई कामयाबी मिलती है तो बिल्कुल भी आपको उन्हें उतना अहंकार तरीके में नहीं लेना जिनसे लोग प्रभावित हो जाए, जिनसे ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाए।
जे दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे ईश्वर भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, और जो भी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ी होती है, जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं ईश्वर का आपके साथ रहता है, अहंकार की भाव से, क्रोध की भाव से, वह वहां से गायब हो जाता है। इसलिए दोस्तों यश में आपको क्या करना है कि मदद का रवैया आपको अपने अंदर रखना है। किसी भी गरीब जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य करना है। दोस्तों हम यह नहीं कहते हैं कि आप 1,000 रुपया दे दें, 2,000 दे दें या फिर 5 रुपया दे दें। आपसे जितना हो सकता है आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ भी दे सकते हैं, बस आप निश्चल स्वभाव से दीजिएगा। ईश्वर आपकी हर एक गुणों को देखते हैं, आपके हर एक कर्म को देखते हैं, और दोस्तों आपके कर्मों का ही फल है जो यश में आपको इतनी अच्छी खुशखबरियाँ प्राप्त होने वाली है। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, आपको मन चाहे जीवन साथी प्राप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि व्यवहार में आपको अपने अंदर नम्रता रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि सेहत के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, और दोस्तों कार्यभार भी आपके समय सही चलने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर घरों की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उज्ज्वल समय को लेकर आने वाला है। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो समय है आज शाम से आपको कुछ गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है, जैसे कि दोस्तों आप हर एक के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आपकी राशि का सबसे यह जो है बुरा गुण है दोस्तों, आप बिना सोचे समझे किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान होता है। और दोस्तों नुकसान होने के बाद बुरा आपको तब लगता है जब आप जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग आगे चलकर आपको धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अब आपको क्या करना है कि किसी के भी ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों दूसरा जो गलती आपको यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले आपको अपने माता पिता से आज्ञा अवश्य लेना है। जी दोस्तों, एक दो बार आपकी जनकाल में ऐसी हुई है कि आप माता पिता की बातों को ना मान कर ऐसे कार्य किए हैं जिनमें आपको नुकसान भी हुआ है। तो आपको क्या करना है कि माता पिता आपके लिए भगवान हैं, उनकी आप आज्ञा का पालन अवश्य कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को एक और महत्वपूर्ण उपाय बता दें कि आपको शुक्रवार के दिन कपूर का काजल बनाना होगा, और दोस्तों जलाकर कोई भी बर्तन को उल्टा करके रख दें, उस बर्तन पर काजल इकट्ठा हो जाए। अब इस काजल को किसी भोजपत्र पर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लिख दें। ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। जो पिछले कई से आपका पैसा अटका हुआ है, किसी को आप उधार दिए हैं या फिर कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, तो दोस्तों इनसे आपको वह पैसा वापस आ जाएगा। जी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इन्हें आप जरूर कीजिएगा। इसके उपरांत आप सभी को बता दें कि यश में कुबेर लक्ष्मी का तस्वीर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है, ये आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि धन का लाभ कुबेर लक्ष्मी का तस्वीर लगाने से होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के पैर घर के मुख्य दरवाजे पर बनाने से धन दौलत और सुख समृद्धि घर में आती है। जी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि सबके संस्कार और परिवेश एक जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको अपने ऊपर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप ये कार्य नहीं किए या फिर कुछ आपके हाथों से कार्य नहीं बना है। आप सभी को बता दें कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं अगर वह चीज़ नहीं हुआ है तो आपको बस अच्छे कर्म करते जाना है। ईश्वर आपके लिए उनसे भी बड़े चीज़ रखे हैं, उनसे भी बड़े तोहफा रखे हैं। जब आपको प्राप्त होगा तब आपको खुशियों की असली अनुभूति होगी। और दोस्तों वह समय है, वह समय आप सभी के साथ है, और अगले आने वाले कुछ ही समय में आप सभी को बहुत ही अच्छा संकेत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इनसे आप सभी का जीवन बदलने वाला है। और दोस्तों इन उपायों को आप कीजिएगा, आने वाला भविष्य आपके लिए बेहतर होगा। हम इसी कामने के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।